नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से आइटम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है मेरे पास ये दुनिया का सबसे छोटा जीपीएस मॉड्यूल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट इसकी साइज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि इसके फीचर्स जो है बहुत ही अमेजिंग है। आपको नॉर्मल जो बड़े जीपीएस मॉड्यूल है उनमें भी ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जैसे कि इस मॉड्यूल में है फीचर्स। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है रेएक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से स्पॉन्सर है, और ये जो मॉड्यूल है ये हमें रेएक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से ही मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस जीपीएस मॉड्यूल के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे और इनको प्रैक्टिकली यूज में भी लेके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे छोटा जीपीएस मॉड्यूल RYS8830। और दोस्तों, इस मॉड्यूल के ऊपर आपको अलग से एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मॉड्यूल के ऊपर एंटीना एम्बेडेड है। तो यही इसकी सबसे खास बात है, इतनी छोटी साइज़। लेकिन दोस्तों, इसकी साइज़ पर मत जाइए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है, और मुझे पर्सनली जो फीचर्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है इसका I2C कम्युनिकेशन। आप नॉर्मली मार्केट में जो भी जीपीएस मॉड्यूल देखते हैं, उन सब जीपीएस मॉड्यूल में UART कम्युनिकेशन होता है, बट इस मॉड्यूल में I2C कम्युनिकेशन भी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसे इंटरफेस कर रहे हैं और आपके पास UART के पिन्स कम हो, तो आप इस मॉड्यूल को I2C कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और आप साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अभी हम इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि हमें एक डेवलपमेंट बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें रेएक्स टेक्नोलॉजी ने दिया है। इस मॉड्यूल के साथ में हमें एक डेवलपमेंट बोर्ड भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये जीपीएस मॉड्यूल लगा हुआ है, और साथ में कुछ अदर कंपोनेंट्स भी कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर है। और ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसकी एक और खासियत ये है कि ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये 1.8 वोल्टेज पे वर्क करता है, और इसकी करंट कंजप्शन भी लेस देन 20 मिली एम्पियर है, जो कि नॉर्मल जीपीएस मॉड्यूल से काफ़ी ज़्यादा कम है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ जम्पर दे रखे हैं, जिनके माध्यम से आप UART और I2C कम्युनिकेशन के बीच में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर एक माइक्रो USB केबल दे रखी है, जिसके माध्यम से आप PC से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चिप लगी हुई है CP2102। तो ये जो चिप है ये USB to TTL कन्वर्टर चिप है। और इसके अलावा यहाँ पर एक रीसेट बटन है, और ये एक LED है। तो जब भी आपके GPS का सिग्नल रिसीव होगा, तो उस टाइम ये LED ब्लिंक करेगी। और इसके अलावा इन जम्पर के माध्यम से हम सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी इस जम्पर को UART पे सेट कर रखा है। तो अगर हम इस जम्पर को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये I2C मोड पे वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में हमें इन दोनों जम्पर को भी इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई थिंक आपको बोर्ड के बारे में बेसिक डिटेल तो मिल गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस एवोल्यूशन बोर्ड को हमारे PC के साथ कनेक्ट करते हैं USB के माध्यम से। ये लीजिए दोस्तों, USB के थ्रू हमने बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है, और अब हम आ जाते हैं सीधे हमारे कंप्यूटर में। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीधा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं सिंपली रेएक्स टेक्नोलॉजी RYZ8830, और हम इस साइट को ओपन कर लेते हैं। तो इस साइट पर हमें ये मॉड्यूल मिल जाता है, और इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ स्पेक्स दे रखी है, तो जिसे आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो इसकी बोर्ड रेट, और दूसरा इसका वोल्टेज का हमें ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम इसका एवोल्यूशन बोर्ड यूज में ले रहे हैं, तो हमें वोल्टेज का ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम जल्दी से वापस जाते हैं डाउनलोड्स के ऊपर। यहाँ देखो, डाउनलोड्स में आपको इसकी डेटा शीट मिल जाएगी, और इसका जो इवोल्यूशन बोर्ड है उसकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ में जो इसका इवोल्यूशन बोर्ड है उसकी जर्बर फाइल आपको मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप PCB डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस मॉड्यूल के फुटप्रिंट भी आपको मिल जाएंगे। बट अभी हम क्या है कि इसका इवोल्यूशन बोर्ड यूज़ में ले रहे हैं, तो हमें इन डिटेल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जल्दी से इस लिंक पर जाते हैं। यहाँ पर हमें ये GNSS मॉनिटर फॉर कस्टमर सेटअप मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद हम इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ।
और इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सेटअप में जाकर सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉम पोर्ट 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉड रेट हमने सेलेक्ट कर रखी 115200, और अब हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो जीपीएस मॉड्यूल है इसे काफ़ी टाइम से कनेक्ट कर रखा था, तो इस टाइम पीरियड में इस मॉड्यूल ने जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर लिया और ये डायरेक्टली यहाँ पर इन वैल्यूज को शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस जीपीएस मॉड्यूल की अलग अलग कंट्रोल कमांड दे रखी है और यहाँ पर इसका सर्च मोड भी दे रखा है, जैसे कि जीपीएस, ग्लोनास और हाइब्रिड। तो अभी हम हाइब्रिड यूज़ में ले रहे हैं और यहाँ से हम जो डेटा है इसकी लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के भी काफ़ी फीचर हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो सेटेलाइट लॉक हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो गैस फिलहाल मैंने इस जीपीएस मॉड्यूल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा था काफ़ी टाइम पहले से, तो इसने काफ़ी जल्दी नेटवर्क को कैच कर लिया। बट अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ में लेंगे तो हो सकता है कि आपको 20 या 30 मिनट तक इसे कनेक्ट करके रखना पड़े, उसके बाद में ये नेटवर्क को कैच करें। और जब भी आप इसे पीसी से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसे ओपन एरिया में रखें, जैसे कि विंडो के पास में या फिर आप घर की छत पर इसे ट्राई करेंगे तो आपका नेटवर्क जल्दी कैच होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में पूरा बताया इस जीपीएस मॉड्यूल के बारे में, और इसका जो मेन फीचर है वो है इसकी साइज, और इसके अलावा इसमें जो I2C का फीचर है वो अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। अभी फिलहाल हमने UART कम्युनिकेशन के थ्रू टेस्ट किया है और उसमें जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।